मिस्टर राजदान, कहने सुनने और समझने का जो वक्त है वो गुजर चुका है। इतनी रात को तो दो ही लोग फोन कर सकते हैं, या तो कोई करीबी दोस्त या फिर करीबी दुश्मन। अगर आराधना तुमसे तलाक चाहती है तो तुम उसे तलाक दे दो। अगर इस फोटो में आराधना बतौर मेरी छोटी बहन के रह रही है, अगर आपको भाई बहन के रिश्ते में भी पाप नजर आता है। कमबख्त नासूओं पर भी जोर नहीं रहा, बेवक्त ही निकल आते हैं। पर दीदी, ऐसी प्रॉब्लम्स तो पहले भी बहुत बार आई हैं, लेकिन रोहित इतना ज्यादा अपसेट पहले कभी नहीं थे। हेलो प्रेम, यार तू आज पूरे दिन कहाँ था? पता है, ऑफिस में मेला लगा हुआ था। होटल रिसोर्ट की जो ऐड दिया था उसका कोई रिएक्शन आया क्या? अरे रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मानो लोगों को ये इंप्रेशन हो कि हम लोग घर फ्री में बांट रहे हैं। इनफैक्ट मैंने जाकर पेपर में ऐड भी चेक किया कि कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। प्रेम, व्हाट अ रिएक्शन, पूरा बाजार हिल गया। ऊपर वाले से तो मैं यही दुआ करूंगा कि सारा बाजार सलामत रहे, लेकिन राजदान कंस्ट्रक्शंस, उसका हिलना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई खबर तुम्हें सुनाई देती है तो मुझे सुनाना। प्रेम, सुनने में आया है कि राजदान कंस्ट्रक्शंस के कुछ अहम क्लाइंट्स अपनी लॉयल्टीज आराधना होटल्स की तरफ शिफ्ट करने वाले। जय, वो अफवाह नहीं है बल्कि सच्चाई है। कई लोगों ने अपनी लॉयल्टीज हमारी तरफ बदल दी है। होटल आराधना के साथ एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तुम्हारे मेज के बाईं ओर की तरफ जो फाइल ट्रे है, उसमें जो नीले रंग की फाइल है उसे खोल कर देखो। एग्रीमेंट की जो डील है वहां पर मौजूद है। प्रेम, फाइल तो मैं कल देखूंगा क्योंकि फिलहाल मैं अपने रूम से बात कर रहा हूँ, लेकिन यार इस सब की क्या जरूरत थी? हमारे पास ऑलरेडी इतने एप्लीकेंट्स हैं, हमारा प्रॉफिट इंश्योर्ड है, तो फिर क्यों? वो इसलिए कि मैं ये सब कुछ मुनाफे के लिए नहीं कर रहा। ये बिजनेस का जामा जो मैंने पहन रखा है, साल भर पहले जो जख्म मुझे मिला था मैं उसकी दवा कर रहा हूं, और ये जो ईयरली ट्रीटमेंट है तब तक चलता रहेगा जब तक मैं हूंगा, मेरी सांस होगी। तुमने मुझसे पूछा था ना कि आज ही का दिन मैंने क्यों चुना है इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए? क्योंकि आज ही के दिन साल भर पहले मेरे होने वाले बच्चे को इस दुनिया में आने से खारिज कर दिया गया था। आज उसकी डेथ एनिवर्सरी। गनीमत है तुम्हारे इस क्या? थोड़ी हैरानी थी, थोड़ा अफसोस था, थोड़ा दर्द था। कम से कम तुम कहीं और जाकर किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए केक तो नहीं काटोगे? प्रेम, आज तुम फैसला कर ही लो, क्योंकि हर साल ये दिन आएगा, हर साल बहस होगी और हर साल ये नाराजगी, ये गुस्सा झेलना पड़ेगा। गुस्सा क्यों नहीं आएगा मुझे? आज के दिन किसी और के बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम केक काट रही? मैं किसी और का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, मैं अपने बड़े बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और हर साल करूंगी। और अगर तुम्हें ये बर्दाश्त है तो ठीक है, वरना मुझे उठाकर घर से बाहर फेंक देना, और मैं जहां भी रहूंगी ना वहां केक कटेगा। मेरे बड़े बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। Thank you.
बेटे मुझे माफ कर दे, भारी भारी इल्जाम लगाए गए हैं मुझ पर, आज भी लगाए जा रहे हैं, पर जिसका मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं, बड़ी शांति से अपना नन्ना सा सर रख के आराम से मेरी गोद में सो रहा है। सोने से पहले मेरे गाल पर प्यारी सी पप्पी भी दी, और उसे पता भी नहीं कि जो इंसान पाप के भेस में इसके सामने बैठा है वही उसका सबसे बड़ा गुनहगार है। हाँ बेटे, जिंदगी का सबसे पहला जुल्म मैंने ही तुम पर किया था। जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उस मां से मैंने तुम्हें छीन लिया, तुम्हें खरीद लिया, पर मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वो एक बहुत ही महान औरत है, मैं तुम्हारी परवरिश किस तरह कर रहा हूं, तुम्हें कितना प्यार दे रहा हूं, और इसका श्रेय सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि रश्मि को भी मिलता है। वो तुम्हें अपने हाथों में इस तरह लेकर घूमती है जैसे जैसे गले में कोई माला हो। भूमिका तो उसने कई निभाई है पर मां की भूमिका निभाने में वो अव्वल है। तो बेटे, चेहरे भले ही अलग अलग हों, एक उस मां का जिसने तुम्हें जन्म दिया और एक इस मां का जो तुम्हारी परवरिश कर रही है, ही दिल के अंदर दोनों एक हैं, क्योंकि मां की ममता एक ही है। और ये राज की बात मैं तुमसे तब बता रहा हूं जब तुम सो रहे हो, वो इसलिए बैठे क्योंकि ये सच मेरे साथ ही जाएगा। प्रेम आइए आइए, तशरीफ रखिए। आराधना, तुम्हारे बारे में जैसे हर सुर में इतना कुछ सुन चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे अलावा हमारे दुनिया में है भी कौन, इकलौता दोस्त तो है मेरा। पता आराधना, अगर प्रेम मेरी जिंदगी में ना होता ना, तो अब तक जय कोहली अपनी जान दे चुके होते। लेकिन जय, अब जो कुछ मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ वो तेरे लिए एंटी क्लाइमेक्स होगा, और ये बात तुम पर भी लागू होती है। आप प्लीज कहिए ना। भले ही जय मेरा कितना अजीज क्यों ना हो, जब भी मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूं तो उसमें जय की दुआ भी होती है। ये मेरा कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर इसकी वजह से किसी तीसरे शख्स को परेशानी होती है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, भले ही वो संजय नंदा क्यों ना हो। लेकिन प्रेम, संजय नंदा के हाथों जो आराधना को तकलीफ पहुंची, क्या वो जायज है? आज आराधना को जो तकलीफ पहुंची है वो उसका रिएक्शन है कि तुम जय कोहली संजय नंदा की बीवी के साथ छुप छुप कर मिलते थे, और ये बात कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन किस रिश्ते से मिलते थे प्रेम? वो रिश्ता कितना पाक क्यों ना हो, कितना पवित्र क्यों ना हो, ये बात तुम लोग समझते। कल अगर सुजाता मुझसे इस तरह का कोई सच छिपाती है तो मेरे लिए उसकी वजह तो पापी होगी। इंसान पाप छुपा है, पुण्य नहीं। प्रेम ठीक कह रहा है जय, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी शादी को कई साल हो चुके, तुम्हारे और संजय का जो रिश्ता है कल का नहीं, काफी पुराना। आज अचानक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा पुराना प्यार आ जाता है तो तुम्हें अपनी शादी बेमानी लगने लगती है, अपनी शादी में तुम खोट निकालने लगती है, अपनी शादी में तुम्हें खामियां नजर आने लगती। लेकिन उन खामियों का क्या जो संजय और मेरे रिश्ते में थी?
जब जय मेरी जिंदगी में नहीं आया था वापस, और ना ही उसके वापस लौटने की कोई उम्मीद भी थी। संजय ने इस बार जो मेरा हाल किया है ना, उससे कहीं ज्यादा सीरियस स्टेट में मैं यूएसए के हॉस्पिटल में भर्ती की गई थी। एक बार नहीं, कई बार। संजय बीमार है, he is mentally sick. उसे शक की बीमारी है, तो वो भी इस हद तक कि एक बार मैंने पार्टी में एक आदमी से बात क्या कर ली, उसने जाने क्या इमेजिन कर लिया कि उसके अगले दिन ही उसने यूएसए में अपना सारा बिजनेस वाइंड अप कर दिया और वापस बॉम्बे चला आया। मैं जय की कसम खा कर कहती हूँ, अगर जय मेरी जिंदगी में वापस नहीं लौटता ना, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि पापा की मौत के बाद मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि पापा ने चाहे जो भी मेरे साथ किया हो, मैं नहीं चाहती थी कि पापा की जीते जी मैं सुसाइड करूं। पहले तुम्हारा और संजय का डायवोर्स होगा, उसके बाद जैसे तुम्हारी शादी हो। और तुम्हारे इस फैसले में मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं। दबा दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। बाहर पार्टी में सब तुम्हारे लिए पूछ रहे थे। रश्मि प्लीज, किसी तरह का बहाना बना लो ना। ठीक है, मैं नहीं करती हूँ। सुनो, राहुल को तो मजा आ रहा है। राहुल को पार्टी में बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारे लिए चाय या कॉफी भेजो, मैं आता हूँ। रोहित, सरदर्द चाहे मामूली हो चाहे ज्यादा, आज अपने चेहरे पे खुशी रखो, क्योंकि तुम्हारे बेटे का बर्थडे है। हाय रश्मि। सुजाता, कहाँ खोई हुई थी तुम? आओ ना बैठो। थैंक यू। अब किस परेशानी को एंटरटेन कर रही थी? कुछ नहीं, कभी कभी इंसान बेमतलब की परेशानियों से घिरा रहता है। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम नहीं आती ना तो आज पूरा दिन मेरा मूड खराब रहता। मेरे को दो राहुल काका के साथ बाहर घूमने गया है, अभी आने वाला होगा। हम दोनों उसके बर्थडे पे नहीं आ पाए, तो इसलिए हम उसे ये गिफ्ट देने आए थे। प्लीज राहुल को खुश कर देना और कह देना कि ये उसके छोटे भाई की तरफ से है। थैंक यू सो मच सुजाता। राहुल के बर्थडे का ये सबसे अहम गिफ्ट है और मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। थैंक यू सो मच। प्रेम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना प्लीज। अब तुम्हारी तबीयत कैसी? ठीक है आराधना, कुछ देर के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? संजय ऑफिस में आया हुआ है, तुमसे मिलना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उससे मिलना नहीं चाहती।
उस वैश्य इंसान को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैंने आपसे कहा था ना, मुझे उससे तलाक चाहिए। यही बात वो तुम्हारी जबान से सुनना चाहता है। उसकी जिद है कि तुम उसके सामने खड़े होकर उससे कहो कि तुम उससे तलाक चाहती हो। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। चलो। इंस्पेक्टर। यस। ये संजय नंदा। अरेस्ट कर लो। अरे मुझे अरेस्ट करो। एक मिनट। ये क्या हो रहा है केडी? इनके खिलाफ वारंट है। कायदा वारंट है। वारंट किस बात का? इन्होंने आराधना को तो पिटा ही था, आज बुरी तरह से अपने ससुर को भी इन्होंने असॉल्ट किया। व्हाट? आराधना, इनसे कह दो कि तुम मुझसे तलाक नहीं चाहती। कह दो। हां, मैं तुमसे तलाक चाहती हूं। प्रेम, are you coming to the police station? तुम चलो, मैं आता हूं। आराधना, अपने कमरे में जा। आराधना, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? जैस संजय यहाँ आया था, उसे तो पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन उसने पापा पर भी हमला किया। जय, पापा हॉस्पिटल में, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं, तुम घबराओ नहीं, पापा को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, हाँ, रिलैक्स। आराधना, पापा, से कहा था ना संजय, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी ना। अब देखा उसने आपके साथ क्या किया। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन उसके हाथ आप तक उठ गए ना। बेटी के बाप की मजबूरियां होती हैं बेटा। लेकिन पापा, अब वक्त बदल गया है, अब हम चुप रहकर किसी का भी सुन नहीं सकेंगे।